इंडिया ने, इंडिया की बैड लक कह ले, लेकिन इंडिया ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के बॉलर्स बैट्समैन हर लिहाज से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। या आप उनकी बैड लक कह सकते हैं या बैड लक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी इस टाइम मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर लिहाज से हर शोबे में वो इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है बंधुरा, गतकाल के फाइनल मैच हो तो मैच भारत हेरे गए। জানি এই ম্যাচে কার কি হচ্ছে সেটা আমি কনফার্ম নয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের টুপিদারি লুঙ্গি পরিহিত মাদ্রাসা পাস জঙ্গিরা অনেক আনন্দিত। মনে আছে ভারতে যখন চন্দ্রযান মিশন ফেল হয়েছিল তখন কাংলাদেশের টুপিদারি লুঙ্গি পরিহিত এক মাদ্রাসা পাস ব্যক্তি আনন্দে সকলকে মিষ্টি খাইয়ে নিজে মিষ্টি খেতে গিয়ে গলায় আটকে মারা গেছিল। তো বর্তমান সময়ে এই সমস্ত টুপিদারি লুঙ্গি পরিহিত মাদ্রাসা পাস ব্যক্তিদের আনন্দ দেখে আমার কিছুটা হাসতে ইচ্ছে করছে, আবার অনেক কষ্ট হচ্ছে। ভাবুন ভারত হেরেছে তাতে এরা কতটা আনন্দিত, মানে ভারতের সমস্ত কিছু তাদের পিছনে জ্বলে। আমি বুঝে পাই না এই সমস্ত ভিখারি টুপিদারি লুঙ্গি পরিচিত কাঙ্গাল জনমদুখনিগুলো ভারতের সাথে এত কোন বিষয়ে এদের পিছনে জ্বলে। ভারতের ক্ষতি চায় সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু ভারতের হারে এদের লাভটাই বা কি হলো? তো বন্ধুরা, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। এর সাথে সাথে আপনারা এটাও লিখে জানাবেন বাংলাদেশের টুপিদারি লুঙ্গি পরিচিত মাদ্রাসাবাস ব্যক্তিদের সাথে কি করা উচিত, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখে নিন বর্তমান সময়ে ভারতের হেরে যাওয়ায় পাকিস্তানের রিয়াকশনটা কি। जो दो बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, जो बड़ा मतलब ये है कि सेंचुरी और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म का भी कुछ हो जाता है, आपको क्या लगता है इंडिया आज वर्ल्ड कप फाइनल जो सा हारा है वहां पे क्या सिचुएशन होगी? इंडिया को हारना तो नहीं था चाहिए, लेकिन इस टाइम इंडिया के मुल्क का आप लाइव देख लीजिएगा कि बहुत बुरा हाल होगा। इंडियन क्राउड जो है ना वो बहुत गुस्से वाला है, इंडियन क्राउड से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, इस टाइम इस वजह से हमें खुशी ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया पूरे टूर्नामेंट में। ये आज का दिन उनकी बैड लक थी, आज उनका दिन नहीं था। ठीक है, अगर उनका अगर थोड़ा सा वो बैटिंग अच्छी कर लेते, उनका ओपनर जैसे चल रहे थे, ठीक है, वो थोड़ी सी एफर्ट कर लेते, विराट कोहली सेंचुरी कर लेता या उसके साथ वो अय्यर है वो भी अच्छा प्लेयर है वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता तो शायद इंडिया अच्छा मैच कर लेता, अच्छा स्कोर कर लेता। बस जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल आज मैच था, और पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि भाई 2023 वर्ल्ड कप डिजाइन ही इंडिया के लिए किया गया है, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, और जो सा इस तरीके से पिच है और फेवर ICC, जो ये सब बातें की जा रही थी कि इंडिया को फेवर दी जा रही है, लेकिन आज इस तरीके से फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता है। इंडिया ने भी परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया ने उसे बेहतर परफॉर्म किया, और मैं पहले ही कह रहा था जीतेगा वही जो बेहतर करेगा, बट बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया हारे, क्योंकि ICC इंडिया के कंट्रोल में है। उन्हीं लोगों से आज बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीता है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है पाकिस्तानियों का पहले तो, और दूसरे नंबर पे जो कहा ये जा रहा था कि भाई इंडिया के नाम पे ये वर्ल्ड कप हो चुका है, क्या अब वो क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई जान, आपसे पहले भी मैच के हवाले से हमने बात की थी और आप बड़ी गारंटी से कह रहे थे, ये नहीं कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ये कह रहे थे कि भाई जो है इंडिया जीत जाएगा क्योंकि ICC जो है वो इंडिया की फेवर में है, उनकी मर्जी की पिचें बनाई जा रही हैं ये चीजें, अब इंडिया हार गया, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया वाकई नजर तो यही आ रहा था कि इंडिया नहीं हारेगा, जो सूरत हाल पहले दिन से लेके आज तक हमने देखी साफ यही नजर आ रहा था कि इंडिया बिल्कुल नहीं हारेगा, ये कप इंडिया का है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जितनी दाद दी जाए वो कम है, ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि नहीं हम नहीं बिकते, सीधी लिफाज में मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ने आज क्रिकेट दिखाई है हमें। तो जो टीमें दूसरी हारी हैं जो फाइनल तक नहीं पहुंची वो बिकी हैं, तो इसलिए नहीं वो फाइनल तक पहुंची, ये तो परफॉर्मेंस की बात है ना मेरे ख्याल से। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखने में हर चीज ऐसे नजर आ रही थी कि इंडिया सबके साथ ऐसे ही कर रहा है। आज हमने देखा है कि आज क्रिकेट हुई है, जेन्युइन क्रिकेट हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है, ये बात हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया वो पहले कहते थे कि जी जो मर्जी हो जाए ऑस्ट्रेलिया नहीं हारती, आज ऑस्ट्रेलिया ने वाकई साबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप खत्म कर दी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने तबाहकुन बॉलिंग की है, और मजा आया आज उनकी बॉलिंग देख के, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो ये विकेट है ये बैटिंग ट्रैक है, इस विकेट पे इजिली 350-370 इजिली स्कोर होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉलरों ने ये फास्ट बॉलर जो है हाजलीवुड है, मिचेल स्टार्क है, इन्होंने ऐसी बॉलिंग की है कि ऑस्ट्रेलिया इंडियन बैट्समैन चल नहीं सके उनके आगे। उनका मेन बॉलर जो मेन बैट्समैन गिल है, रोहित शर्मा है, उनको उन्होंने किसी 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 तरह भी नहीं उनको आने दिया, ना वो उनका बैट चला है। आज सुमन गिल मेरे ख्याल से 4 स्कोर पे आउट हुआ है, जो इस टाइम मेरे ख्याल से ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर जा रहा है। ठीक है, ये सब क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने स्कोर रोका है, 240 स्कोर कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, अगर इस पिच पे अगर स्कोर
देखा जाए आपने लास्ट मैच इस विकेट पे देखे होंगे 350 हुआ है, 380 हुआ है, यहाँ तक स्कोर हुआ है। लेकिन आज जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने आज एफर्ट किया ना, क्या बात है, एंड कर गया ऑस्ट्रेलियन बॉलर। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर इंडिया मैच जीते तो वो मैच फिक्स है, वो मैच आईसीसी फेवर दे रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम जीते तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, मतलब कंसेप्ट मुझे समझ सर ये बात थोड़ा सा सिंपल सी बात है। देखें इंडिया की होम ग्राउंड में मैच हो रहा है और 99% आवाम यही समझती है कि जो ये इंडिया है ना ये किसी को जीतने नहीं देता, ये खरीद लेते हैं सबको। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित किया है कि वो बिके नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से ये जहां ये मैच जीता है, ये वर्ल्ड कप जीता है, और बहुत हमें खुशी बहुत है, हम मुसलमान है, पाकिस्तानी है, हमें इस चीज की बहुत खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता है। आप अपनी पर्सनल बात करें तो आपका पूरा राइट है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करनी जिसको मर्जी, लेकिन आपने बोला हम पाकिस्तानी है तो हमें बहुत खुशी है, मुसलमान है ऑस्ट्रेलिया वाले, क्या मुसलमान है या ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान के साथ, क्या हमारे तो उस तरीके से रिलेशन भी नहीं इंडिया के, उनके ज्यादा रिलेशन। इंडिया इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है नो डाउट, लेकिन इंडिया आपको बताया कि ये लास्ट आपका वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, इंडिया ने उनके खिलाफ 229 रन किए थे, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इंडिया ने उनको चेज नहीं था करने दिया। ठीक है वो इन चीजों को देख के हर बच्चे से पूछ ले वो यही कहेगा मैच फिक्स था। ठीक है एक चीज मैं और क्लियर करता चलूं, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जब मैच चल रहा था आखिरी 15 ओवर्स थे में भी यही भाई ये बात कर रहे थे कि भाई अभी देखना अभी आउट पे आउट होंगे, इंडिया आउट करेगा क्योंकि मैच जीतना ही इंडिया ने है, ये ऑलरेडी फिक्स है तो इसलिए ये जीतना इंडिया ने है। तो क्या समझते हैं अब आप? मैं ये समझता हूं कि देखें यहां पे हमें ये एज ए नेबर कंट्री ये समझना चाहिए कि भाई उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया पूरे जो है वो सीरीज में अनबीटन रहे, आज अगर वो मैच हारे हैं नो डाउट मैं पर इन्होंने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीता मुझे खुशी हुई, उनका अपना राइट है, मैं पर्सनली ये कहता हूं कि इंडिया हारा मुझे बहुत दुख हुआ, मैं ये समझता था कि इंडिया मैं सपोर्ट इंडिया को कर रहा था। क्या समझते हैं अब आगे वर्ल्ड कप के ये जैसे हो गया अब इसके ऊपर आप पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, खुश हैं? इंडिया ने इंडिया की बैड लक कह लेकिन इंडिया ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के बॉलर्स बैट्समैन हर लिहाज से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, या आप उनकी बैड लक कह सकते हैं या आप बैड लक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी इस टाइम मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर लिहाज से हर शोबे में वो इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है आज ये जो दो बॉलर थे, जो दो बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, जो बड़ा मतलब ये है कि सेंचुरी और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, ट्रेवल रीड पिछले 4-5 मैचों से नहीं था चल रहा, लेकिन आज उसने अपना आप दिखाया है, आज उसने सेंचुरी किया, मेरे ख्याल से मैच विनर है वो। ठीक है अभी तक वो एंड पे वही मैच खत्म करके गया है, तो क्रेडिट जाता है उन दोनों को, क्योंकि इस विकेट पे इतने बड़े मैच के प्रेशर के अंदर उन्होंने इंडिया की होम ग्राउंड के अंदर इंडिया के क्राउड के अंदर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, तो क्रेडिट तो जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने बहुत प्यारी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल गेम को देख के चले हैं, कोई उन्होंने प्रेशर में नहीं आए, हालांकि जैसे स्टार्ट में आपने देखा होगा आउट हुए 1-2-3 80 पे ऑलमोस्ट 3 आउट थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को हैंडल किया, वो अपनी टीम को लेके चले हैं, उन्होंने ठीक है एक लड़का उनका जो लवी चेंज है वो स्लो खेला है, लेकिन दूसरे हैंड से ट्रेवल हेड ने अच्छी बैटिंग की है, वो सेंचुरी करके गया, मैच विनर बना है वो, तो ये क्रेडिट तो उनको